नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में दीपावली के मद्देनजर बाजार सजे हुए हैं और लोग उत्साह से खरीदारी में जुटे हैं। हर तरफ ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। पटाखों के अलावा गणेश, लक्ष्मी जी की प्रतिमा और पूजन सामग्रियों की जमकर खरीदारी हो रही है और दुकानदार भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर में दीपावली के मद्देनजर बाजार सजे हुए हैं। बाजार में ग्राहकों की भीड़ भी काफ़ी नजर आ रही है। बाजार में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के अलावे पूजन सामग्री, दिए समेत सजावट के सामानों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। वैसे दीपावली के त्यौहार का इंतज़ार सभी को साल भर रहता है, जहां सभी अपने अपने घरों को दिए एवं सजावट के सामानों से सुसज्जित करते हैं, वहीं दुकानदारों को भी इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है। खासकर मिट्टी से बने सामान बनाने वाले कुम्हारों को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार होता है। बाजारों के दुकानदारों की माने तो इस बार बाजार में ग्राहकों की भीड़ अच्छी है। लोगों के द्वारा सामानों की खरीदी भी की जा रही है, जिससे तमाम दुकानदार भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा सेल है, मूर्ति भी बहुत अच्छा सुंदर सुंदर आया हुआ है कलकत्ता से। कोई 150 का, कोई 200 का, 250, 300, 1000 भी आता है। जो बड़ा बड़ा मूर्ति होता है 1000 रुपये तक भी आता है। कहाँ पर सब चलते हैं ना यार? दुकानदारी बहुत अच्छे है, बाजार में रस अच्छा था। कल शाम को आज भी आशा करते हैं शाम को अच्छा रहे। क्या क्या चीज़ बिक रहा है दिवाली में, क्या खास होना चाहिए? दिवाली में सब खास बिकता, जो बिक्री का आइटम है वही बिकता है। खीर पटाखा हो गया, सजावट का आइटम हो गया, इसके अलावा पूजा सामग्री रहता है, थान माला कमल फूल सारा चीज़ बिक रहा है। दिवाली में आपका शुभ माना जाता है, ये पूजा में लगता है, लक्ष्मी पूजा हो गया ये सब पूजा में लगता है। बाकी माला भी आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ पे। जमशेदपुर पश्चिम के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बुधवार को वे पार्डी पहुंचे और पैदल ही मार्च करते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात की। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बन्ना गुप्ता पार्डी क्षेत्र से जनसंपर्क चलाया, जहां उन्होंने पैदल भ्रमण कर आम नागरिकों से मुलाकात कर उनके पक्ष में वोट की अपील की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर विगत 5 वर्षों और उससे पूर्व भी उन्होंने एक सेवक के रूप में कार्य किया। जनसंपर्क के दौरान उन्हें बड़ों का आशीर्वाद एवं युवाओं का साथ मिल रहा है। काम किया है वो हम लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपको आने का क्या ज़रूरत है, आपने कितना काम कर दिया, जो कहा उस वो किया है। तो लोगों का एक अपार समर्थन है और लोगों को एक अपार विश्वास है कि एक सहज है, सरल है, सुगम उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति है। तो हर लोग प्रेम से कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप गए ना, हम लोग आपको करेंगे। तो मुझे बहुत उसकी खुशी है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस तरह का माहौल है, एक तरफा माहौल है। लोग अपने से कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाइए आप, एकदम चिंता मत कीजिए, हम लोग साथ हैं। उधर सनातन उत्सव समिति महिला विंग द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार और जामताड़ा के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर में सनातन उत्सव समिति महिला विंग ने कांग्रेस पार्टी के जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार एवं जामताड़ा के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। डॉक्टर अजय कुमार और अंसारी जी, इनको मैं बोलना चाहूँगी, जो आपके जो बीजेपी
असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बुधवार को चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने 4 नवंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बुधवार को चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 4 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, साथ ही पार्टी के असंतुष्टों के साथ बैठक कर बागी प्रत्याशियों को मनाने का काम किया, जहां नामांकन के अंतिम दिन चाईबासा, मनोहरपुर और मझगांव सीट से बागावत कर चुनाव मैदान में कूदे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मीडिया के सवालों पर बेहद ही सदैव और नपे तुले अंदाज में हेमंता ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कर चुनाव नहीं लड़ती है, जो पार्टी आलाकमान का निर्णय होता है उसे ही मानती है। देखिए, गीता कुडा में सब तरफ का उनका कैपेबिलिटी है, झारखंड प्रदेश को जो भी पार्टी जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी लेने का, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा वो पीछे का बात है। लेकिन गीता कुडा एक बहुत ही सक्षम महिला है और आप जो भी उसको जिम्मेदारी दे वो बहुत बढ़िया से निभाएगा, ये मेरा विश्वास। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो वे सड़क पे ठेला खोमचा लगाकर बिक्री करने वाले दुकानदारों के लिए वेंडर जोन बनाएंगे और नाइट मार्केट की व्यवस्था भी करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने कहा कि रोड साइड ठेले खोमचे वालों को जिस तरह से जीएनएससी द्वारा परेशान किया जा रहा है वो सही नहीं है और उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाएगा। वे यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस किया है इसीलिए कि जमशेदपुर में जब हम जनसंपर्क कर रहे थे तो बहुत सारे जो ठेले वाले और घुमचे वाले भाई हैं उन लोगों ने बताया कि उन लोगों का ठेला का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। जब हटा दिया जाता है तो उनका जो व्यवसाय है वो ढीला पड़ जाता है। तो हम सारे ठेला वाले लोग को ये वादा किए हैं कि जमशेदपुर पूर्वी में 8 मंडल है, बेसा नगर है, टेलकोट है, साक्षी है, गुलमुरी है, आपको काशी भी है, तो इन सब जगह में नाइट मार्केट का निर्माण करवाएंगे शनिवार के दिन, जो कि मौसम को देखते हुए 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक चलेगा। और इससे क्या होगा कि जमशेदपुर का जनता का जो जीने का स्तर है वो बढ़ेगा, लोग वहाँ परिवार भी लेके आ सकते हैं, रात में वहाँ मज़े कर सकते हैं और ठेले वाले लोग का भी कमाई बढ़ेगा। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो इसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है, वो है शहर का ट्रैफिक। उधर दूसरी ओर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एमजीएम अस्पताल में मरीजों के अटेंडरों और रिश्तेदारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एमजीएम अस्पताल में रह रहे मरीजों के अटेंडर और रिश्तेदारों के बीच 525 लोगों के बीच केला, सेब, ब्रेड, बच्चों को केक एवं मिठाइयाँ बांटी गई। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी सैयद आसिफ अख्तर मतीन, उलहक अंसारी, मुख्तार आलम खान, नादिर खान, मोहम्मद मोइनुद्दीन आदि शामिल थे। आज हम दिवाली के अवसर पे ज़रूरतमंदों को खाना बांटते हैं। हम लोग इसको बड़े पैमाने में करना चाहते हैं। आज हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं और हम लोग चाहते हैं इसको आगे भी आने वाले महीनों में भी हम लोग हफ्तों में भी ये वाला काम करते रहेंगे। क्या मकसद इस तरह के कराने का? मकसद यही है कि हम लोग चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों के बारे में, बहुत ज़रूरतमंद यहाँ भूखे रह जाते हैं, जिम में आते हैं उनको वक्त पे उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो बहुत लोग बिना खाए पिए रहते हैं या एक वक्त का खाते, तो हम लोग जो हो सकता है हम लोग चाहते हैं कि उतना हम लोग इस कम्युनिटी के लिए करें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हाँ, हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया।
शमीम खान नवेदी। पाइल्स बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटी, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.